वेलकम टू सी गीक्स दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप जब भी लैपटॉप लेने, हार्ड ड्राइव लेने या कोई सिस्टम परचेज करने जाते हैं तो आपको दो तरह की हार्ड ड्राइव वहाँ पे मिलती है मोस्टली। उनमें एक HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी जो है SSD होती है हमारे पास, सॉलिड स्टेट। इनमें SSD लेटेस्ट है, कॉस्टली भी होती है और ऑब्वियसली इसके फीचर्स और डेटा रेट भी इसका ज़्यादा होता है, तो ये सिस्टम की स्पीड पे बड़ा इम्पेक्ट करता है इस हवाले से। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि आप जो है कैसे इसमें इनमें कैसे सिस्टम में फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी हार्ड ड्राइव लगी हुई है। इसके लिए सिंपल जो है कुछ कमांड्स हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हम अपने रन डायलॉग बॉक्स में जाना है जी। इसमें आपके पास जो है आप सर्च भी कर सकते हैं, रन लिखेंगे तो ये रन जो है ऐप आपके पास सामने आ जाएगी, इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप इसको विंडो प्लस आर की से, विंडो प्लस आर को एक साथ दबा के, विंडो की और आर की को, ये रन डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया। इसमें जो है शॉर्टकट हम कमांड्स देते हैं। अब हार्ड ड्राइव की प्रॉपर्टी के लिए हमें ये कमांड देने हैं, DFRGUI। तो दोस्तों, इसको हम यहाँ सिंपली टाइप करेंगे DFRGUI, या आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में कर सकते हैं। इसके बाद आप इंटर करेंगे तो ये हमारे पास सिंपली हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन आ गई है। ये हमारे पास मेरी जो हार्ड डिस्क है ये HDD है, ये ओल्डर है। और ये इसी तरह अगर यहाँ पे SSD होता, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती, तो वो हमारे पास SSD होती। दोस्तों, ये कॉस्टली होती हैं, इसलिए आपको जब भी सिस्टम लेते हुए ये जानना ज़रूरी होता है कि आपके पास जो है आपकी हार्ड ड्राइव कौन सी है, क्योंकि आपने उसके लिए पे करना होता है। शुक्रिया दोस्तों।